बात क्या होता है कि 2 साल बाद कोई प्लेसमेंट देता नहीं है, करंट ईयर में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं कि आपको यूपीएससी में अगर नहीं हुआ तो आपको किसी नीचे के एग्जाम में हो जाएगा, तो वो ऐसा होता है कि आसमान से गिरता है और वो खजूर में भी नहीं अटकता है। तो व्यक्ति के क्या ना, हर 15-20 दिन में एग्जाम चलते आ रहे, मतलब आप इम्प्रूव करते जाइए, एग्जाम देते जाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बैंकिंग की तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ हैं अनंत सर, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक में, एनआईटी भोपाल से पास आउट हैं वो। और आज मैं बता रहा हूँ, जितने बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतनी बेस्ट क्लास होने वाली है ना, दी स्पेशल क्लास होने वाली है। आप सुन लोगे और आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्टर जो है ना, जिसमें आसानी से जॉब मिल सकती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जहाँ पे आसानी से जॉब मिल सकती है वो तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है। मतलब आपके जितने भी फॉल्स बिलीव्स है बैंकिंग सेक्टर को लेके, जहाँ फिर आप जो बहुत टाइम से अगर तैयारी कर रहे हो और जहाँ फिर आपको आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से तैयारी करें, तो आज ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपने इतना टाइम दिया, बिकॉज बैंकिंग वालों के पास टाइम होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो एक बैंक कर्मचारी से हमें टाइम मिल रहा है, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही प्रिविलेज वाली बात है। तो सर मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि लाइक आप मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और आप इतने अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, एंड सडनली फिर आपने बैंकिंग कैसे चूज कर ली और एकदम बैंकिंग करियर कैसे आपका मतलब प्रायोरिटी बन गई, यूपीएससी से डायरेक्टली बैंकिंग मतलब कैसे हो गया ये? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू अमरजीत सर, मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ और मैं खुद आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो मैं आपको थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे लाइव आने का। मैं एनआईटी भोपाल मेरिट से पास आउट हूँ और मैंने अपने कॉलेज टाइम से यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। तो जैसे आपने पूछा यूपीएससी तैयारी करके बैंकिंग में कैसा है, तो यूपीएससी तैयारी करते करते मैं 2 अटेम्प्ट दिया था और मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो मैं डिप्रेस हो गया था। फिर मेरे पास घर से भी प्रेशर था कि मतलब क्या कर रहे हो, है ना, अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, कहीं प्लेसमेंट ले लो। और निकलने के बाद क्या होता है कि 2 साल बाद कोई प्लेसमेंट देता नहीं है, करंट ईयर में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैंने क्या किया था, बैंक का फॉर्म भरा था और मैंने रेलवे का फॉर्म भरा था, उसमें एनटीपीसी आया था 2016 में, एनटीपीसी रेलवे। तो एनटीपीसी में भी बहुत अच्छी रैंक थी, पर मैंने क्या कहता अच्छा सा पढ़ा नहीं था उसको, और उसमें 2 पोस्ट थे, ट्रैफिक अप्रेंटिस की थी और कमर्शियल अप्रेंटिस की थी। तो ट्रैफिक अप्रेंटिस में क्या होता है, चश्मा नहीं चाहिए, तो मैंने उसको ऊपर भर दिया बिना पढ़े, नादानी थी, कम एज थी, 22-23 साल की नादानी थी, तो मैंने भर दिया। अब जब ट्रैफिक अप्रेंटिस के बाद पता चला कि चश्मा नहीं होना चाहिए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन मतलब होके भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं वो थोड़ा डिप्रेस हो गया, फिर मैंने बैंक का एग्जाम दिया, पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में पीओ मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया आईबीपीएस का, तो वहाँ इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ भी सेम क्वेश्चन, आपने इंजीनियरिंग करी है और आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, तो इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं था मैं, तो उसमें मेरा हुआ नहीं। फिर क्लर्क में इंटरव्यू होता नहीं है, तो क्लर्क में इंटरव्यू होता नहीं है, मार्क्स अच्छे थे तो क्लर्क बन गया बैंक में, है ना। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी ज्वाइनिंग थी 19 जून की, वो मुझे बॉम्बे जाना था 14 दिन के लिए इंडक्शन प्रोग्राम के लिए, इनिशियल प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं उसको। 18 तारीख को मेरा यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट था 2017 को, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल ज्वाइन करूंगी नहीं करूँ बैंक को, मतलब मेरा ज्वाइन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था बिल्कुल। पर मेरे फादर ने मुझे समझाया कि नहीं आप ज्वाइन कर लो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरा सही डिसीजन था, मुझे अगर वो डिसीजन अगर मैं छोड़ देता तो शायद आज मतलब पता नहीं क्या होता, वो मेरा सही डिसीजन था कि मैं उस दिन बैंक ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए मैं ज्वाइन किया क्योंकि यूपीएससी में मेरा हुआ नहीं और बैंक का दिया, तो भगवान की कृपा से मेरा बैंक निकल गया था, तो मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। ओके, तो मतलब हम इसको एक अच्छा इंसिडेंट कह सकते हैं आपके साथ लाइफ में, एक अच्छा इंसिडेंट हुआ जो आपको पहले गलत लग रहा था फिर उसके बाद वो सही था। ये बात है। ओके, हाँ मतलब बहुत सारे सोच रहा था कि मैंने सोच रहा था रेलवे में जाता तो अच्छा होता या मैं प्लेसमेंट ले लेता तो अच्छा होता, मैंने परफेक्ट नहीं, पर अल्टीमेटली आई एम हैप्पी। मेरे को जो अभी प्रेजेंट में जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सही टाइम पे वो डिसीजन ले लिया और अच्छा हुआ आज मैं बैंक पे हूँ। नहीं यार, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि लाइक हमें मोस्ट 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 मोस्टली मोटिवेशनल स्पीकर इसी के लिए करते हैं कि हमें एक गोल रखना चाहिए, एक गोल रखना चाहिए, है ना। होता ना, जैसे आपका एक यूपीएससी गोल था
पॉइंट पे गोल था वो आपके लिए। अब बंदे को होता है यार, नहीं मैं दूसरी जगह ट्राई क्यों मारूं, मेरा तो पक्का गोल है ना, मैं दूसरी जगह। जैसे मैंने कुछ देखा है, कुछ बच्चे मतलब जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो छोटे एग्जाम को हाथ पैर भी नहीं मारते। तो क्या आपको क्या लगता है, हमें सारे एग्जाम्स में ट्राई करनी चाहिए कि एक ही में लगे रहना चाहिए स्पेसिफिकली? व्हाट योर एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे आपने जी सर, क्या जी सर, लर्निंग्स ली है? आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई है सर आपने। मैंने यह डिपेंड करता है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप यूपीएससी में अगर आपका नहीं होगा ना, तो उसका बैकअप देने के लिए बहुत ही कम एग्जाम्स है उसका बैकअप देने के। जैसे कि आप अगर उसका बैकअप, जैसे असिस्टेंट कमांडर यूपीएससी की एग्जाम निकलती है, अगर आपका यूपीएससी नहीं करे हुआ तो असिस्टेंट कमांडर जा सकते हो। उसमें भी अगर आपका नहीं हुआ तो बहुत ही कम ऐसे एग्जाम है जैसे ईपीएफओ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स निकलती है, और वो इतनी कम वैकेंसीज होती है कि वो ना के बराबर ही है। तो अगर किसका यूपीएससी में नहीं हुआ ना, तो ऐसा नहीं कि उसका स्टेट पीएससी में जाएगा, क्योंकि स्टेट पीएससी में क्या होता है, स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और वेरिएशन होता है। तो इस वक्त कोई गारंटी नहीं है कि आपको यूपीएससी में अगर नहीं हुआ तो आपको किसी नीचे के एग्जाम में हो जाएगा। तो वो ऐसा होता है कि आसमान से गिरता है और वो खजूर में भी नहीं अटकता है, वो जमीन पे गिरता है। अच्छा, यूपीएससी में ऐसा ओके होता है। ओके पर जैसे आपने ओके बोला दूसरी तरह तैयारी करना चाहिए, तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो बैंकिंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, और मेनली ये जो अगर मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग में बहुत सेफ्टी है अगर बैंक की कोई तैयारी कर रहा है ना। और एक मेनली आज आने का भी पर्पज़ यही है कि अगर कोई व्यक्ति एवरेज है, बिलो एवरेज है ना, तो उसको बैंक की तैयारी पहले बैंक की तैयारी करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा, अगर आप में ओके अच्छा क्लियर होगा तो आप एसएससी भी निकाल सकते हो, अगर आप में बहुत क्लियर हो तो फिर आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो अगर आप एवरेज हो और बिलो एवरेज हो, तो आप पक्का बैंक की तैयारी करो। अगर एक बार आप हो गया आपका, फिर अगर आप में क्लियर होगा तो कुछ ना कुछ निकाल लोगे। तो ऐसा आपका क्वेश्चन ये था कि नीचे का बैकअप रखना चाहिए रखना चाहिए। तो बैंकिंग की खूबसूरती ये है कि बैंक एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो साल में पता नहीं कितनी बार होते हैं बैंक एग्जाम। जैसे कि मान ओके लीजिए आप एसबीआई हो गया, एक एसबीआई हो गया, दूसरे नंबर पे होगा जितने गवर्नमेंट बैंक हैं वो, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, जितने भी हैं। और थर्ड स्टेज पे आते हैं आपके रूरल्स बैंक, जो स्टेट के रहते हैं ना, रूरल्स बैंक जितने भी हैं। तो आप देखिए खूबसूरती कितनी बैंक एग्जाम की, कि आपने भी एसबीआई का क्लर्क एग्जाम दिया, खुदा ना खास्ता नहीं हुआ कोई बात, आपने पीओ का एग्जाम दिया और तैयारी कर, खुदा ना खास्ता नहीं हुआ कोई बात, फिर आपने बैंक क्लर्क का दिया, नहीं हुआ बैंक पीओ का दिया, मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा, नहीं हुआ रीजनल बैंक आ गए, रिजर्व बैंक में क्लर्क का दिया, पीओ का दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। उसके अलावा अच्छे अच्छे बैंक से इंडिया से नैनीताल बैंक हुआ है ना, कुछ प्राइवेट अच्छे बड़े बड़े बैंक से उनके एग्जाम है। तो व्यक्ति के क्या है ना, हर 15-20 दिन में एग्जाम चलते आ रहे, मतलब आप इम्प्रूव करते जाइए एग्जाम देते जाइए, इम्प्रूवमेंट करते जाइए एग्जाम देते जाइए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है ना। ओके तो ये ओके ओके खूबसूरती, मतलब आप ऊपर से घिरे ना, मान लो जैसे मान लो कोई व्यक्ति, मान लो एसबीआई की मांगे चलता है, एसबीआई से नहीं भी हुआ तो कहीं ना कहीं जाके वो व्यक्ति अटक ही जाएगा। तो ये अटक खूबसूरती जाएगा। बैंक ओके एग्जाम, ओके तो ओके आपको है ना ऐसे डरने की बात नहीं कि नहीं होगा तो क्या हुआ, कहना कि पक्का हो जाएगा सिलेक्शन आपका। तो जैसे आपने बोला कि बिलो एवरेज बच्चे जो होते हैं, मिडिल बच्चे जो होते हैं, तो आप किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चों को? मतलब जो आप बोल रहे हैं ना कि हाँ हमें लाइक बिलो एवरेज बच्चों ने, अब क्या होता है कि समटाइम हम खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। लाइक अगर कोई बिल्कुल मुझे बोले तो मैं अगर मतलब होता ना, हमारे भारत में थोड़ा दिखावे वाली बात होती है कि जी जी भाई जी क्या जी कर रहे बिल्कुल हो, अरे मैं तो गवर्नमेंट बैंक की जब तैयारी कर रहा हूँ, जहां मैं जी एकदम जी जी आरबीआई की तैयारी कर रहा हूँ, जहां मैं उससे भी कोई बड़ा बैंक होगा तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ, नीचे की तो सोचता बिल्कुल ही नहीं मैं, है ना? जैसे आपने बिल्कुल, नैनीताल बोला या यूको बैंक बोला या ऐसे कोई मतलब बहुत सारे बैंक हैं। बहुत सारे तो बैंक्स हैं। यहाँ पे आप थोड़ा एक बताइए कि क्या किस बेंचमार्क पे आप मतलब ये सोच बता मैं रहे हैं एवरेज कि बिलो एवरेज एवरेज की बात ऐसे कर रहा बच्चे हूँ, हैं। मैं आपकी हम इसको ऐसे दे सकते हैं, समझ लीजिए मैंने 12th पास करी, तो 12th में क्या होता है, जो बच्चा उसमें वो सिंसियर होता है ना, वो क्या करेगा, वो या तो आईआईटी में एडमिशन ले लेगा या वो मेडिकल पढ़ी कर लेगा। मेडिकल वाला अगर बैंकिंग में आएगा ना, उसको गिनने से मतलब नहीं है। जो बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, वो आईआईटी एनआईटी अपने स्टेट के अच्छे कॉलेज में चले जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना, या फिर बच्चा क्लेट निकाल लेगा तो लॉ में चले जाएगा, वो भी अच्छा बच्चा हो गया। तो अच्छे बच्चे का मतलब यहाँ पे वो है जो 12th क्लास से वो सिंसियर था। ये हो सकता है आप बहुत अच्छे पढ़ने, मतलब आप में रुचि थी या आप इंटेलिजेंट थे, पर आप उस समय सिंसियर नहीं थे है ना। मतलब तो क्लास जो बच्चे, के चार हाँ जो क्लास के जो 10% पांच बच्चे होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। अब क्या हुआ ना, वो बच्चे। अच्छे कॉलेज में चलेगा, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स को जानता हूँ जो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है ना। पर अभी क्या है, वो बहुत ही मिनियल, मतलब बहुत छोटी जॉब कर रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं और वो कर भी सकते हैं, पर
पर उनको क्या है, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं होता है। तो कहना कि मेरा या कहने से मतलब है कि बिलो एवरेज का मतलब है कि जैसे आपको 12th में अगर प्रॉपर गाइडेंस था नहीं, तो अधिकतर बच्चे बीकॉम कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं ना। तो उनको ऐसा लगता है यार जो ये ऊपर के बच्चे ना ये एग्जाम निकाल लेंगे, जैसे जो अच्छे से एमबीए कर लिया है वो निकाल लेंगे। पर मजे की बात ये है, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया बैंक में आने के बाद, कि जो वो ऊपर के बच्चे होते हैं वो ये फॉर्म भरते ही नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है ना। वो ये सोचते हैं कि या तो उनको अच्छी जॉब लग जाती है, या फिर उनका स्टेटस सवाल हो जाता है कि भैया बैंक में क्या कर रहे हो। मेरे जब बैंक में जॉब लगी थी तो लोग बहुत बोलते थे, अरे भैया बैंक में लग गए हो, अरे बैंक में लग गए हो। पर ऐसा नहीं, जैसे अभी अभी मैं है ना, जैसे मैं क्लर्क लगा था, अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। अभी मैं बताऊँ सैलरी कितनी जल्दी इंप्रूव होती है बैंक में, तो मैं भी सोचता था। पर अब मैं उन सब, मेरे को 1.5 साल में सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया था कि ये सब गलत है, मैं सही हूँ, है ना। तो जो ऊपर के बच्चे होते हैं ना वो फॉर्म भरते ही नहीं है, और जो बिल्कुल नीचे के बच्चे होते हैं ना, नीचे के बच्चे का मतलब ये है कि किसी बच्चे ने ऐसे स्कूल से पढ़ाई करी है जहाँ पे उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, या उसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी एग्जाम को निकलना। उसे अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखने में उसको 1 साल लग जाएगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग करने में उसे 6-7 महीने लग जाएंगे, उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बिलो एवरेज मतलब वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। अगर आप बिलो एवरेज, जो एवरेज का मतलब ये है कि आपका 12th तक के स्कूल में एटलीस्ट आपको इंग्लिश पढ़ते आती थी, समझ में आती थी, और आपको मैथ्स एटलीस्ट एवरेज है, तो हम बैंक डेफिनेटली निकाल सकते हैं, है ना। तो मेरा यहाँ से ये मतलब है, बिलो एवरेज, एवरेज का मतलब है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी, मीडियम हो, तो आप आराम से बैंक में चले जाओगे। अच्छा, मेरे अंदर भी मुझे जगा रहे हो आप। मेरे को लग रहा है काम छोड़ के मुझे बैंक की तैयारी नहीं करनी बिल्कुल निकाल चाहिए। सकते हैं, कोई डिफिकल्ट लेकिन नहीं हाथ है। हाथ जमते नहीं थे सही ढंग अरे मैथ्स निकालना ही नहीं है ना, लोगों को लगता है कि इतने बच्चे 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। अरे बच्चे फॉर्म भर मैथ समझ जाओ, कट ऑफ देखो आप, 200 में से 70 नंबर कट ऑफ जा रहा है, इतनी आसानी से आ रहा है। में। जनरल अवेयरनेस पढ़ लोगे, रटना है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस रट लोगे, कंप्यूटर 20 नंबर का था, कंप्यूटर रट लो, कंप्यूटर रट लोगे तो 12-13 नंबर 20 में से आ गए, 70 में से 12-13 नंबर कंप्यूटर में आ गए, करंट अफेयर में 20 नंबर आ गए, 33 नंबर तो यहीं आ गए, आप लाने कितने 40 नंबर लाने, आराम से आते हैं। कहना टीचर अच्छा होना और स्टेज सही होना, पर हिम्मत नहीं है हमें। कोई भी मतलब बैंक की एग्जाम निकल जाती है, बड़ी एग्जाम मैं नहीं बोलूंगा, मेरी खुद की क्रैक नहीं हुई है, अभी मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ बड़ी एग्जाम्स की, पर आपकी बैंक डेफिनेटली क्रैक हो जाएगी, स्पेशली क्लरिकल तो क्रैक हो ही जाएगी। एक्चुअली मतलब पर ये है कि जैसे जो बच्चे लाइक बहुत ही बड़े गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं कर रहे, जैसे रेलवे वाले जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, है ना, बहुत सारे बच्चे रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं पिछले कई सालों से मैंने देखा है, तो उनको मतलब फैनेटिक नहीं होना चाहिए। अगर उनको नहीं लग रहा है रेलवे में, तो बैंकिंग की जॉब्स तो अभी भी निकल ही रही है, ऐसा नहीं कि नहीं निकल बिल्कुल रही है ना, बैंकिंग उनको निकल रही हो, बैंकिंग में निकलती रहती जाना है, एक बार चाहिए। रेलवे की नहीं निकलेगी, एसएससी निकलेगी, बैंकिंग 100% निकलेगी, वो भर भर के निकलेगी। बट सर यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि यार बैंकिंग क्यों चूज करें हम। जैसे मैंने अपने सेकंड हाँ क्वेश्चन हाँ पूछा था ना मैंने आपसे, कि जी वो जी जो जी मतलब आप भगवद गीता भगवान कृष्ण ने बोला है, एक गुरु नंदनाथ, एक जो मतलब हमारा पॉइंटेड फोकस है आप उस फोकस से हटा रहे हो, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदर जो इच्छा जाग रही है कि तो मैं भी सोचता हूँ बैंक का कर ही लेता हूँ, थोड़ा सा क्या होता बात बन जाए अपनी की, तो मतलब वहां पे एक बच्चे देखिए, को होता है कि यार मेरे को मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाऊं। मैंने आपको बोला ना स्टेटस की बात आ जाती है हमारे इंडिया में, सबसे बड़ी बात है कि स्टेटस की, है बिल्कुल 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 ना, क्योंकि मैं उस चीज की तैयारी कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आ जाऊं। तो बैंक ही क्यों चूज करना है, मतलब क्या दोनों में क्या कंपैरिजन है, मतलब बड़ी जॉब बिल्कुल या अमर जी बैंक। जी देखिए अमर जी, आपने जो चीज पूछी है ना, ये मैं क्या है, मैं खुद यूट्यूब पे देखता रहता इसके वीडियो, और मुझे ज्यादा लग रहा है ये अभी तक किसी ने इतने अच्छे से नहीं बताया होगा कि बैंकिंग ही क्यों, मतलब मैं जो बताने जा रहा हूँ बैंकिंग कितनी खूबसूरत लाइन है बैंकिंग की, है ना। तो देखिए ऐसा है कि अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है ना, तो वो एसएससी इजीली निकाल लेगा। अच्छा बच्चे से मतलब कि जो 12th सीरियस था या उसके कॉलेज में सीरियस हो गया, वो एसएससी निकाल लेगा, है ना। एसएससी की जॉब डेफिनेटली बैंक से बहुत अच्छी होती है, या क्रीम बच्चा होगा तो सोचेगा नहीं, वो यूपीएससी या स्टेट पी से निकाल लेगा, है ना। अब जैसे आपने बोला बैंकिंग ही क्यों, तो बैंकिंग ही क्यों का आंसर मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आप में कैलिबर होगा कि आप अच्छे एग्जाम निकाल सकते हो, तो आप बैंक में आने के बाद भी अच्छे एग्जाम निकाल लोगे, है ना। पर डेफिनेटली यहाँ डेफिनेटली पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना फ्यूचर पहले सिक्योर कर लीजिए, आपका फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्लर्क ज्वाइन करते हो, तो क्लर्क में अभी इनिशियल सैलरी हो चुकी है 30,000, और SBI में हो चुकी है 32,000। SBI में और दूसरे पीएसयू ओके बैंक में से 2 से 3 हज़ार का ही फर्क पड़ता है, क्लर्क में 2 हज़ार का पड़ता है, ऑफिसर में 6 हज़ार का फर्क पड़ता है ना। 30,000 रुपये आपको मिल रही है सैलरी, ठीक है, और टाइम की जॉब है, क्लर्क में 10 बजे गए 5 बजे घर, है ना। बाकी आपके ओके पास कितना घर पे कितना समय मिलेगा आपको, डेली आराम से आप 5 घंटे निकाल के पढ़ सकते हो। तो आप में केलिबर होगा तो आराम से आप अच्छी एसएससी की या रेलवे की या कोई भी अच्छी जॉब आप निकाल लोगे, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आपके बैंकिंग बहुत ईजी है,
बार बार एग्जाम हो रही है, एसबीआई का दो पेपर हो रहे हैं क्लर्क पीओ के, फिर पीएसयू बैंक के दो पेपर हो रहे हैं, फिर रूरल बैंक के दो पेपर हो रहे हैं, तो इतनी बार एग्जाम्स हो रही हैं। तो अगर आपका कैलिबर है और आप मीडियम स्टूडेंट भी हो तो आप बैंकिंग आराम से 6 महीने निकाल लोगे, फिर आप तैयारी करते रहिए, है ना। एक आपको सोशली का स्टेटस बन जाता है कि नहीं भैया एटलीस्ट व्यक्ति बैंक में क्लर्क है, असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर, तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है ना। बहुत क्लर्क बड़ी बन बात के हो जाती है। स्टेटस मिल, देखो 30,000 मतलब 1,000 रुपये रोज आपकी जेब में आ रहे हैं, है ना। आपके पास अच्छी जॉब, एक सीट मिल गई है, सिस्टम मिल गया, रूम मिल गया, तो आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या अलग ही लाइफ चेंज हो जाती है। इसलिए क्या, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है ना तो उसको पहले बैंक की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि रेलवे की जैसे मैं देखता हूँ हर साल वैकेंसी नहीं आती है, एसएससी की वैकेंसी हर साल आती है पर एग्जाम डेली नहीं हो रहा है, 1.5 साल लग जा रहा है। अभी मेरा 2018 में एग्जाम दिया था, मेरा उसका रिजल्ट 1 अप्रैल को आया, इस साल 1 अप्रैल को 2021, तो 3 साल डिले, 3 साल डिले मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो मतलब कितना मतलब डिले प्रोसेस होता है बैंक में, ऐसा नहीं आप एक आज एग्जाम दे रहे हो, आपको 8 महीने में पता चल चुका होगा कि आपको सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना फास्ट डेफिनेटली प्रोसेसर डेफिनेटली। हाँ जी हाँ है ना जी, अमरजीत जी। तो ये बात है, तो इसमें करियर ग्रोथ का कुछ कंपैरिजन बता सकते हैं, जैसे बैंकिंग में करियर ग्रोथ क्या रहती है और हमारे जो मतलब जनरल जो आप मतलब कोई भी एक एग्जांपल बताइए कि इसमें हाँ ग्रोथ हाँ बिल्कुल प्लान थोड़ा बिल्कुल बता दीजिए कि ग्रोथ कैसे होती है लाइक जी करियर जी में। अमर जैसे जी जी आपने बहुत ही बोला कि अच्छा आपने क्लर्क ग्रोथ। ज्वाइन किया था, बहुत जल्दी आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए हो 1-1.5 साल में, जी तो हाँ मतलब ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ है जो ऐसा लग रहा है। फास्ट हाँ ग्रोथ है। देखिए अमर जी बहुत जी अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभी भी बता रहा हूँ कि ये यूट्यूब पे ये कंटेंट है ही नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया इन चीज़ों को, मतलब मैं इनिशियली वो सर्च करता था, ये चीज़ को बताने वाला नहीं है, लोगों को अच्छे से पता नहीं है। देखिए पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी और एसएससी बैंक का कंपेरिजन, यूपीएससी एसटीपीएससी बहुत ऊपर है, अपन कंपेयर कर सकते हैं तो एसएससी और बैंकिंग को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दूसरी जो जॉब्स होती है ना 50,000 सैलरी मिलती है, तो ऐसे मान लीजिए अपन एसएससी को कंपेयर करते हैं। अब पहले ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एसएससी की जॉब बहुत अच्छी होती है बैंक से, क्योंकि तो बैंक में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना। एसएससी की जो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें अपन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं या सीबीआई में जाते हैं, इन्फोसिस्टम डायरेक्टरेट, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, उसमें ग्रुप बी की जो सर्विस होती है वो एसएससी से जाते हैं, है ना। अब बात है कंपेरिजन क्यों किया जा रहा है, कंपेरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एसएससी एग्जाम जो होती है ना बहुत ही स्लो एग्जाम है, उसमें 4 लेवल आपको निकालने पड़ते हैं, टीयर वन निकालेगा, फिर टीयर टू में 2 पेपर देगा, टीयर थ्री में रिटर्न देगा, फिर टीयर फोर में आपको टाइपिंग, पीपीटी, एक्सेल करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको कम से कम 1.5 से 2 साल मिनिमम बता रहा हूँ कि इंतजार के बाद ही सिर्फ एक ही एग्जाम में आपको सिलेक्शन मिलता है ना। और अब ये बता, पहले आप ही बता रहा हूँ कि एसएससी अच्छी जॉब है, पर एसएससी में क्या मान लीजिए आपको सबसे अच्छी जॉब लगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन गए तो आपकी जो इनिशियल सैलरी अभी बनती है ना वो मिनिमम सैलरी बनती है 57,000, अगर आपकी किसी छोटे ओके जिले में पोस्टिंग होती है, और हाईएस्ट सैलरी भी जो बन रही है वो 66 के अराउंड चल रही है, 1,000 पर मंथ, है ना, लगते से, ठीक है। अब सही। देखिए आप इंकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ये हायरार्की रहती है कि आपका क्या होगा ना, ज्यादा ज्यादा लाइफ में आपके प्रमोशन जो हो सकते हैं, अच्छे से अच्छे बता रहा हूँ मैं, तो 4 या 21 साल में ज्वाइन कर लेते तो 5, वैसे अधिकतर लोगों में 3 ही प्रमोशन होते हैं मैक्सिमम लोगों के, तो 3 प्रमोशन मतलब होता है क्या होता है, जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है तो उसे पे ग्रेड होती है 4,600 पे ग्रेड, उसका मतलब होता है सैलरी मैंने बताया 60,000 के आसपास बनती है, उसके 7 साल बाद या 8 साल बाद, या कुछ कुछ स्टेट में 5 साल, साउथ इंडिया में 5 साल में प्रमोशन हो जाता है, तो 5 साल बाद आप ऑफिसर बनते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना। और उसके भी 4 साल बाद बनते हो असिस्टेंट कमिश्नर। अब बात ही हो रही है कि भैया एसएससी में प्रमोशन हो क्यों नहीं रहे, तो एसएससी में क्या होता है कि जो ऊपर लेवल पे होता है ना 5,400 पे ग्रेड का मतलब होता है डिप्टी कलेक्टर, और डिप्टी कलेक्टर के रैंक इनकम टैक्स में होती है असिस्टेंट कमिश्नर, तो वहां से क्या होता है यूपीएससी से बच्चा आ जाता है, तो जब ऊपर रैंक पे ऑलरेडी बच्चा आ रहा है तो आपको ऊपर क्यों भेजेंगे, वो ऊपर जाएगा ना, तो अपन के ज्यादा ऊपर जा नहीं पाते हैं एसएससी में, एसएससी में ये प्रॉब्लम है। आप किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ आपको ज्यादा ज्यादा 3 या 4 इससे ज्यादा प्रमोशन नहीं होते हैं एसएससी में। अब आते हैं मैं बैंक में, तो बैंक की खूबसूरती ये है कि ना बैंक में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्लर्क ज्वाइन किया, तो क्लर्क की अभी प्रेजेंट सैलरी में बता रहा हूँ, क्लर्क की है पंजाब नेशनल बैंक में 30,000 सैलरी मिलती है, और जितने भी बैंक ऑफ इंडिया जितने भी है सब में जो टॉप के 7-8 बैंक है इनमें 30,000 सैलरी है, और स्टेट बैंक में 32,000 सैलरी मिलती है। और आप इसे पीओ ज्वाइन करते हैं, जो पीओ जो होता है ना, पीओ पीओ का मतलब प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब है वो कोई परमानेंट नहीं है, उसको सिखा रहे हैं, है ना, और वो जो परमानेंट हो जाता है तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है। असिस्टेंट मैनेजर की पीएनबी में भी सैलरी होती है 56,000 अगर आप न्यू ज्वाइन करते हैं, उसके आपके अलाउंसेज होते हैं, जैसे आपको पेट्रोल मिलता है 40 लीटर, मकान का पैसा मिलता है,
तो आपकी मिनिमम सैलरी आपकी बनती है 65,000 पर मंथ। अब सोचो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे तो भी इतनी मिल रहे हैं, इनफे वहाँ कहीं के कम हाँ मिल रहे हैं, और यहाँ गांव में पेशेंट मिल रहे हैं। अगर मेरी पोस्टिंग, हाँ अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पीओ की पोस्टिंग, एसएससी की पोस्टिंग भुवनेश्वर में होती है, इंदौर में होती है, तो उसकी सैलरी बनती है 70,000, और मेट्रो ओके सिटी में ओके होती है तो उसकी सैलरी बनती है 75,000। अब सोचिए कितना अंतर है। हाँ आप एक लो लेवल की बहुत बड़ा एग्जाम अंतर है, एसएससी बहुत कंपेरिजन, कितना अंतर है ना। तो ये है, बिल्कुल फिर क्या बिल्कुल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है पावर है सब है ना, सीबीआई में पावर बहुत है, सब में पावर है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आपका प्रमोशन में स्लो हो रहा है। वहां पे 8 साल में प्रमोशन हो रहा है। बैंक में क्या होगा ना, बैंक में सिंपल सा रूल है, आप जिस पोस्ट पे हो उस पर 3 साल काम करके अगली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक एग्जाम होता है वर्ल्ड इंडिया ओके लेवल का, उसका एग्जाम फैट पर इंटरव्यू द्वारा आपको प्रमोशन, मतलब हर 3 साल में, और हर 3 साल में मैनेजर की सैलरी होती है मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आपने कोई दूसरी एग्जाम फैट नहीं कर रखी डिपार्टमेंटल तो 76,000 सैलरी है अलोन से अलग। 7 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 7 लीटर पेट्रोल के 6,000, मकान के आपको गांव में मिलते हैं 9,000, मतलब आपकी सैलरी होगी ओके रफली, रफली सैलरी बता रहा हूँ 90,000 क्रॉस। मतलब आपने पीओ ज्वाइन किया, 3 साल बाद ही आपकी सैलरी कितनी, आप मैनेजर बन गए हो, रिस्पेक्ट अपनी जगह, सैलरी बिल्कुल कितनी मिली, 90,000। और बिल्कुल जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो अभी वही 65,000 60,000 के आसपास घूम रहा है, उसे 8 साल लगेंगे प्रमोशन लेने में, और वो जब मतलब वो तक नाम, आईटीओ बनेगा ना जी, मैंने वो बोला जब वो तक इनकम नाम टैक्स का ही ऑफिसर है, वो तो बनेगा, स्टेटस मेंटेन कर रहा है बेचारा वो तो। वो एस्टेट मेंटेन कर, और वो जब तक इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा या फिर वो जब तक 5400 पे जाएगा ना, तब तक ये व्यक्ति सीनियर मैनेजर है, चीफ मैनेजर बन चुका होता है। वो बैंक ओके में चीफ ओके मैनेजर का मतलब होता है, मतलब भोपाल जैसी या भुवनेश्वर जो बड़ी बड़ी ब्रांच होती है चीफ मैनेजर हेड करता है। चीफ मैनेजर के अपने इतने अलाउंसेस होते हैं, मतलब उनको पर्सनल कार अलाउंस मिलता है, 2 AC का अलाउंस मिलते हैं, बहुत फर्नीचर अलाउंस मिलता है। सैलरी 1,10,000 से ऊपर हो चुकी होती है, और ज्यादा ही हो चुकी होती है। ओके तो समझ रहा, मतलब बैंक में इतना फास्ट प्रमोशन है, मतलब बाकी सेक्टर में ही नहीं है, क्योंकि एसएससी में क्या यूपीएससी वाले ऊपर आकर उन्होंने जैम लगा दिया, तो आप इतना ऊपर बढ़ नहीं पाते इसलिए। और रेलवे भी सेम है, रेलवे में से मान लीजिए कि असिस्टेंट मैनेजर को अगर कंपेयर किया जाए तो एक जूनियर इंजीनियर से कंपेयर कर सकते हैं, इवन जूनियर इंजीनियर की सैलरी कम ही होती है, तो वो भी अगर लाइफ में सबसे अच्छा प्रमोशन अगर ले भी लेगा तो 4 से ऊपर उठ नहीं पाता है, 4 से ज्यादा उठ नहीं उठ पाता है, मतलब पूरी लाइफ, मतलब 60 साल की एज तक बात कर रहा हूँ, 4 प्रमोशन मैक्सिमम होते हैं जूनियर इंजीनियर के। और बैंक में क्या है, जैसे मान ली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो इनकम टैक्स में कोई आईआरएस बन गया ना, यूपीएससी क्रैक करके आएगा ना, तो स्टेट का हेड होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, अब वो बन सकते हैं। पर बैंक में क्या है, बैंक में देखिए असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, 15 साल में एजीएम बन जाओगे आप। एजीएम का मतलब होता है आपको 12 साल की गाड़ी मिल जाएगी, बिल्कुल नई गाड़ी मिलती है, स्विफ्ट, उस पर लिखा रहता है भारत सरकार, मतलब कितनी बड़ी ओके बात है, सही 15 साल में भारत बात, से गाड़ी मिल गई, एक ड्राइवर मिलता है, पीए मिलता है, तो अपने आप में ओके बहुत रेपुटेशन ले पाते हैं, है ना हाँ अमरजीत जी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जी बैंकिंग बताइए। सेक्टर में आप आ जाते हो, अगर आपने अच्छा क्लियर होगा तो अच्छे एग्जाम निकाल लोगे, तो अगर नहीं भी निकाल पाए ना, तो बैंक में इतना अच्छा आपको मन लगा के काम कर लिया और आपको नॉलेज और पर्सनल, तो आपके बहुत ऊपर तक आप जा सकते हो, है ना। बट सर और यार इसमें एक, मैंने यहाँ हाँ जी, पे, हाँ प्लीज प्लीज कंप्लीट कीजिए आप बात को। बैंक में एक बहुत अच्छा हमको हमेशा बताया जाता है ट्रेनिंग में, कि बैंक में पीएनबी के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति ने प्यून ज्वाइन किया था, प्यून में मतलब स्वीपर, स्वीपर जो झाड़ू लगाता है, और वो एज ए जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुआ है, मतलब समझ रहे, जनरल मैनेजर का मतलब होता है बैंक में जो पूरे एमपी और छत्तीसगढ़ को हेड करता है, या आपके उड़ीसा या वो पूरे वेस्ट बंगाल को हेड जो करेगा ना, वो जनरल मैनेजर कहलाता है। और जनरल मैनेजर के रैंक के जो 3 नीचे, जनरल मैनेजर के नीचे होता है डीजीएम, उसके नीचे एजी, एजीएम को भारत से गाड़ी मिलती है, तो जो जनरल मैनेजर कितना बड़ा होता है ना। तो मतलब एक स्वीपर ने ज्वाइन किया था, और वो मतलब आपके अंदर केली बार है और आप काम करना चाहते हो, तो बैंक आपको पूरा सपोर्ट करती है, आप जितना ऊपर से जा सकते हो ना उतने हेड तक जा सकते हो बैंकिंग सेक्टर में। ओके 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 जी अमरजीत जी, तो सर मैं यहाँ पे, मतलब मेरा यहाँ पे डाउट था, बिकॉज मैं अपने, हमारा जो प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया, तो इसके स्टार्टिंग में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से पर्सनली जाके मिले हैं, बिकॉज ये जी प्लेटफॉर्म जी इस जी फिलोसफी से स्टार्ट हुआ है, और वो फिलोसफी ये है कि स्टूडेंट को राइट फिलोसफी दो, बिकॉज जो भी हम एक्शन करते हैं अपने जीवन में उसके बैक पे एक फिलोसफी एक्ट कर रही होती है ना। जी, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि लाइक दो दो तीन तीन चार चार साल से वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बट वो निकाल नहीं पा रहे। तो मतलब क्या इश्यूज है उनके साथ, मतलब वो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे, जहां उनके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, जो बड़े बैंकों में ज्यादा हाथ मार रहे हैं, छोटी छोटी पोस्ट पे हाथ नहीं मार रहे, क्या इश्यूज है उनके साथ। हाँ नहीं तो बिल्कुल कुछ मैंने देखा है बच्चे एक ही बार में अटेम्प्ट किया और उनका निकल गया, बट कई बिल्कुल तीन तीन चार बिल्कुल साल लगे हुए हैं, उनका कुछ समझ ही बिल्कुल नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। तो उसमें बारे में थोड़ा बताएं कहाँ गलती कर रहे हैं वो बच्चे। बिल्कुल
देखिए, हम मैं अभी आपको बताया था, हमें मेनली ये देखना है कि कितने बच्चे दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हम आप ये देखिए कि कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ कितना है। जैसे मान लीजिए मेंस का कट ऑफ अगर जा रहा है 200 में से 70 नंबर, तो आपको सिर्फ 70 नंबर लाने हैं। उसके अलावा कैसे 5 सेक्शन हैं बैंकिंग में, 5 सेक्शन से कंप्यूटर का हो गया, एक जनरल अवेयरनेस का हो गया, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो उसमें ऐसा होता है कि मिनिमम नंबर लाने हैं। मान लीजिए इंग्लिश अगर आ रहा है 40 नंबर का, तो उसमें आपको सिर्फ 6 नंबर मिनिमम लाने हैं। अगर उससे कम लाओगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो बताओ, छह आप ही देख नंबर लीजिए, बहुत ही बहुत कम है। हाँ ही कम है। वही ना, क्या आपको जी, पता नहीं, हम क्या स्टेटिस ही नहीं बना पाते। तो हमें ये देखना है, मान लीजिए मेरी इंग्लिश अगर वीक है ना, तो कोई पेनी होने की जरूरत नहीं है। टोटल मार्क्स कितने लाने हैं, मान लीजिए 80 नंबर लाने, 200 में 80 नंबर। तो इंग्लिश में आप ये देख लो कि भैया 6 नंबर मिनिमम कट ऑफ है, तो 15 नंबर तो आ ही जाएंगे, पढ़ लूंगा 40 में से। तो आप इतना उसको कर लो हाँ कि भैया आपको कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ ना रुके, ठीक है ना। फिर आपका जो अच्छा है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में होता है 20 नंबर का था, 20 में से 12-14 नंबर इजीली लाए जा सकते हो। रिपीट क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, व्यक्ति क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, यही लिमिटेड। अगर कोई, अगर बैंकर अड्डा कोई अच्छी वेबसाइट से आप पढ़ लोगे, 20 पेज की पीडीएफ होती है कंप्यूटर की, वो 20 पेज पढ़ लेगा, आराम से 13-14 नंबर आ गए। तो 70 में से 13-14 नंबर यहाँ आ गए, इंग्लिश में जो आपका वीक था वहाँ मान लो 12 नंबर आ गए, इतने हो गए 25 नंबर तो आपके यहीं पे हो गए। बचे कितने आपको ओके लाने, 35 नंबर लाने। तो आपको जो हाँ स्ट्रॉन्ग जी। हो सकता है, कोई रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मैथ स्ट्रॉन्ग हो, आप नंबर खींच लो, है ना। हम क्या स्ट्रेस एरिया बना पाते हैं, जो चीज़ हमको नहीं बन रही उसी पर हम लगे हुए हैं। तो ऐसा ना करें, जो हाँ चीज नहीं बन रही है उसमें सेक्शनल कट ऑफ निकाल लें, जो आपसे बनती है ना उस पर ज्यादा फोकस करें। ओके और मैं ये ओके कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए बड़ी एग्जाम नहीं निकल पा रही है, जैसे मान लीजिए एसबीआई नहीं निकल रही है, तो आप इस पे आ जाइए, जो एसबीआई में डिफरेंस सेम पेपर आता है। अगर नहीं निकल पा रही तो रूरल बैंक में आ जाओ, रूरल बैंक का क्लर्क निकाल लो आप, फिर वो निकाल के आप तैयारी अपनी चालू रखिए, है ना। एग्जाम ऐसा, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे और आपके जो वीक पॉइंट है उनको अच्छे से करोगे, तो एग्जाम निकलना ही है ना, क्यों नहीं निकलेगा। इंग्लिश, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, मान लीजिए किसी से मैथ सीरीज बनती समझ में आता है भैया, ठीक है, आईक्यू लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है, इंग्लिश में ऐसा है कि अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आपके 40 में से आराम से 30-35 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि वो क्या ना, उसमें से आपको याद करना है, आप पढ़ते जाओगे याद होती जाएगी, पढ़ते जाओगे याद होती जाएगी, आपके नंबर आना ही है। हम क्या होता है ना कि अच्छे से डेफिनेटली पढ़ते नहीं है, और टीचर भी अच्छे नहीं है। टीचर हमको थोड़ा अच्छा पोस्ट होना जरूरी है, अन अकेडमी में बहुत अच्छा टीचर्स है, अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, इंटेल आईक्यू स्टडीज है, एडुटेव है, यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं हमको। तो टीचर्स का फर्क है, और ओके गाइडेंस का ओके फर्क है, स्ट्रेटजी का फर्क पड़ जाता है। ओके 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 मतलब जी बच्चे हाँ जो जी, हैं कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में लैग कर रहे हैं, और वो सही बिल्कुल ढंग से समझ नहीं पा रहे कि असली में तैयारी कैसे करनी है। मतलब वो बिल्कुल अंधेरे में बिल्कुल तीर मार रहे हैं, सही ढंग से तीर नहीं मार रहे हैं, बिल्कुल अंधेरे बिल्कुल में तीर बिल्कुल चलाने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ ओके बहुत कम सर, है ना, कट ऑफ बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे कसम से आप, मतलब लाइक आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जहाँ पे गलती कर रहे हैं और जो पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं किसी गवर्नमेंट की बड़ी जॉब के लिए, एटलीस्ट उनको थोड़ा सा तो हुआ कि नहीं यार, एक एक ट्राई मारते हैं उधर। बिकॉज लाइक एक टाइम मेरे ख्याल से ऐसा आता है जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर करके, है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल मार्केट में भी ऐसे आने लगे यार, गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलेगी। बट बैंकिंग में जब इतना अपॉर्चुनिटी है तो क्या। अभी मैंने रिसेंटली सुना था बिल्कुल, कि बहुत अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट और भी एक तरीके के बैंक स्टार्ट कर रही है, जिनको शायद क्या कौन से बैंक बोलते हैं, जो मतलब लोन इकट्ठे करते हैं बैंक अच्छा, इसके पैसे बारे टाइप। में नहीं, इसके बारे में मुझे हाँ आइडिया नहीं है, या भी हो सकता है समझने में अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। मैं मतलब एक एक क्या बोलते हैं, तो मैं बिजनेस न्यूज फॉलो करता हूँ, तो उसमें उसमें मैंने सुना था कि लाइक गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, कुछ मतलब लाइक कुछ बैंक ऐसे अपॉइंट करेंगे जो स्पेशली इसी चीज के लिए खुलेंगे, ताकि जो लोन जो लोगों को दिया था पिछले सालों में, बहुत सारा लोन बांटा है बैंकों ने, वो इकट्ठा नहीं हो पाया, तो जिसके कारण जो आरबीआई को बहुत बड़ा लॉस हुआ। हाँ, इसके लिए एजेंसी काम करती है, वो एजेंसी ये काम करती है, वो ऑलरेडी है एजेंसी, वो एजेंसी ये काम करती है कि मान लीजिए कुछ 100 करोड़ का लोन था हमारा, खराब हो गया, तो हम उस लोन को 15% में उस एजेंसी को, वो रियल असेट डिस्ट्रेस मैनेजमेंट करके ऐसा कोई एजेंसी है, उसका एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं है, तो वो एजेंसी का काम करेगी, इस लोन को हमको बेच देंगे 15%, मतलब 15 करोड़ में, और फिर उस लोन को वो एजेंसी रिकवर करेगी कस्टमर से, फिर हमारा वो हेडेक खत्म हो गया, हाँ जी हाँ जी, इस वो तरीके से। एजेंसी की मतलब ज्यादा वो मतलब ब्रांचेस खोलने के अभी मतलब आरबीआई सोच रही है। मे बी लॉकडाउन के बाद वो बहुत बड़े स्केल पे वहां भी शायद जी 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 लाइक जी हो सकता है कि जॉब्स निकले वहां पे। तो सर लाइक कुछ आखिरी वर्ड्स आपके हमारे बैंकिंग हाँ जी के हाँ, योद्धाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना। मैं और सबसे सबसे मेन चीज है, मैं आपसे एक सबसे मेन चीज पूछना चाहूंगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं सबसे मेन चीज पूछना चाहूंगा कि आपने पूरे इयर्स में
आपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे मतलब ये किया, मतलब गर्ल्स डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन और नशा डिस्ट्रैक्शन, और फिर आपका पेरेंट्स का प्रेशर था आपने बताया मुझे, तो ये सारे प्रेशर आपने कैसे हैंडल किए? ये सारे इन्फ्लुएंस तो हर बंदे के लाइफ में आते हैं जो बंदा बाहर रह रहा है, तो आपने इन चीजों को कैसे हैंडल किया? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो मैटर कर, ये सब चीजें आती कहाँ से? ये सब चीजें आती हैं हमारे एसोसिएशन से। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे अगर लत लगी सिगरेट की या ड्रिंक की, तो मुझे कहाँ से आएगी? मैं जिनके साथ में रहता हूँ, अगर मैं फ्रेंड्स सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या ड्रिंक ज्यादा करते हैं, तो वो मुझे भी बोलेंगे, या वो नहीं भी बोलेंगे ना तो भी मैं उनको देख देख के सीख जाऊंगा। जैसे कि इसका बिल्कुल एग्जाम्पल मेरे बिल्कुल को अपने सीनियर ने दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि मान लीजिए मैं एक ऐसे रूम में रहता हूँ जहाँ पे मच्छर ही मच्छर है ना, बहुत सारे मच्छर है, तो चाहे मेरी इम्यूनिटी कितनी भी अच्छी हो, मेरी इम्यूनिटी कितनी, मान लो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, तो मेरे को क्या होगा कि 6 महीने तक या 3 महीने तक मलेरिया नहीं होगा। बहुत अच्छी मेरी इम्यूनिटी, मतलब मच्छर मुझे खा भी रहे हैं डेली, एक जगह 3 महीने सस्टेन कर जाऊंगा। अगर इम्यूनिटी कम है तो एक दिन बाद मलेरिया हो जाएगा, है ना, थोड़ी ज्यादा है तो एक हफ्ते बाद, या बहुत ही स्ट्रांग है तो 3 महीने बाद, पर मलेरिया होगा जरूर, है ना, बोलिए कि कितनी अच्छी बिल्कुल इम्यूनिटी हो। बिल्कुल तो ये मैटर करता है कि आपको एसोसिएशन किन से है। तो जैसे मैं कॉलेज में था, जब एनआईटी भोपाल में था मैं मेरिट में, तो वहां पे मैं देखता था थोड़ा इन्वायरमेंट, जैसे हर बड़े कॉलेज में, किसी कॉलेज में होता ही है स्मोकिंग ड्रिंकिंग, बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो मुझे बिल्कुल लगता था कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं डेफिनेटली बिगड़ जाऊंगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसी बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या किया था कि स्कूल के हॉस्टल चलते ऑल ओवर इंडिया बेस के नाम से, भक्ति वेदांत एकेडमी और कल्चर एजुकेशन के नाम से। तो मैंने देखा वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, कोई गलत बात नहीं करता है ना। तो मैंने जैसे मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था, मैं सेकेंड ईयर से मैंने क्या किया कि स्कूल के हॉस्टल में जाके मैं रहने लग गया था। ओके तो उसके ओके बाद मैंने ये चीज सीखी लाइफ में ना, आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि आप किन लोग को अपना फ्रेंड बना रहे हो। बैंकिंग में भी मैं उन्हीं लोग को फ्रेंड बनाता हूँ, वी आर वो फ्रेंड्स है जिनका मतलब एटलीस्ट एटीट्यूड अच्छा है, वो जो स्मोकिंग ना करते हैं, क्योंकि उससे आपकी बहुत, आपके जो नेचर होता है सब बहुत इफेक्ट पड़ता है। धीरे 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 वो चीजें अपने अंदर आ जाती है। अगर मैं बिल्कुल ड्रिंकिंग के बिल्कुल साथ रहूंगा तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा मैं ड्रिंक करूंगा ही करूंगा, तो मुझे उनके साथ रहने ही नहीं, उनको अवॉइड हाँ करो, उन्हें अवॉइड करो आप, जी ऐसा है। ओके ओके सर, और कोई आखिरी सजेशन आपकी बच्चों के लिए? मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर मेरा, हाँ जी, दिया। आखिरी सेशन मेरा यही है। मैं एक चीज ये था कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा एम्बिशियस था और मैं मतलब बहुत पढ़ता था, पढ़ी लिखी बहुत था, मेरा आईक्यू लेवल भी अच्छा था, मैं मेहनत भी बहुत करता था, है ना। जैसे कि मैं एक जैसे 10th में क्या हुआ था कि मेरे को अपने सोशल का टीचर ने एक बार बोला था जब मैं 9th में था कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम कुछ नहीं मतलब कर पाओगे। और मैंने इतनी मेहनत करी थी कि मैं 10th में मेरा 95 मार्क्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था सोशल स्टडीज में, है ना। तो मतलब मैं ओके ऐसा था कि हमेशा से बचपन से मैंने स्टडीज को सीरियस से लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने यूपीएससी तैयारी करी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं यूपीएससी कर सकता हूँ। तो कहते हैं जब आपके एम्बिशन हाई हो जाते हैं पर आप उससे अचीव नहीं कर पाते हो ना, तो आप बहुत ही बड़ा झटका लगता है लाइफ में, आसमान से गिरे तो खजूर में भी नहीं, जमीन पे गिरा था। तो मैंने देखा कि ना कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़ी चीज नहीं अचीव कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं वहां से स्टार्ट करिए, आप घबराइए मत। अगर आप में कैलिबर होगा तो आप उस जगह बड़ी, दूसरी जगह से भी बड़ी जगह आप पहुंच सकते हो ना। तो हमें डरना नहीं है, जैसे डेफिनेटली कि कोई भी, हाँ बड़ी, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बैंक में भी कुछ लोग को, तो हमारे बैंक में क्या होता है कि प्यून भी जैसे हायर करते हैं, प्यून, तो प्यून का ऐसा रहता है क्राइटेरिया, मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ ये बच्चों को, कि प्यून के लिए क्राइटेरिया कि आपका क्लास 8 आपको होना चाहिए, अगर आपने क्लास 10 भी कर रखी तो आपको नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है जो क्लास 8 या 10th बेसिस पे लेते हैं, 10th के बेसिस पे आते हैं, प्यून बनते हैं, प्यून उनको सैलरी मिलती है 8,000 रुपये, वो 3 घंटे काम करना होता है बस, 3 घंटे, है ना। बिल्कुल वो क्या करता है, 12th ही पास कर लेता है, वो कॉलेज ही पास कर लेते हैं, वो बैंक ने रोक तो लगा ही नहीं है भैया, बैंक तो बोल रही है 10th पास चाहिए, बैंक ने तो पढ़े भी रोक नहीं लगाई। तो जैसे ग्रेजुएशन करता है ना, वो क्लर्क बन जाता है, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, मतलब कि ओके उसने ओके बिल्कुल ज्वाइन किया बैंक को 18 साल की उम्र में और वो 30-35 होते होते तो वो मैनेजर बन जाता है ना। तो मतलब कभी भी सही ये बात मत है, सही सोचो कि बात कोई छोटी चीज है, आप उसको ज्वाइन तो करो, है ना। मतलब हो सकता है बहुत सी ऐसी जॉब है। निकलती है, जो क्लरिकल जॉब होता है, ज्वाइन कर लो, फिर आप में बिल्कुल केलिब्रेट बड़ी एग्जाम निकाल लोगे, और अगर आप में नहीं भी निकाला तो उसी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाओगे आप। तो मेरा यही किसी से कहने कहना चाहता हूँ डेफिनेटली कि जब भी मौका मिले ना, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, उसको आप ग्रेस्प कर लो, आप छोड़ो मत उसको आप। तो ये है मतलब मुझे तो एमरजेंसी, दसवीं तक मतलब मेरे मेरा लिए तो जो आई लेसन ओपनिंग है हुआ लाइफ है, का वो मतलब ये ये। चीज। जी
मेरे लिए तो ये आई ओपनिंग टाइप का था कि मतलब हाँ जो शॉर्ट मतलब इसमें बच्चे हैं वो अपना अगर करियर जल्दी स्टार्ट करने का सोचे तो उनको बहुत सारी ऑप्शन देखनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ऑप्शन है, कहाँ से हम जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को हम प्राइवेट जॉब्स देखते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब या बैंक सेक्टर या और भी सेक्टर्स में बहुत छोटी छोटी जॉब्स हैं जहाँ पे आप नीचे से स्टार्ट करके आप बड़े ऑप्शन तक जा सकते हो, साथ में आप पढ़ भी सकते हो और साथ में आप जॉब भी कर सकते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी और नाइन एक लास्ट बात करना चाहता हूँ जी, मेरी अभी एक बात एक सर से बात हुई थी, वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में थे, तो वो सर ने ऐसा बताया कि जब वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में थे तो उनको पर मंथ सैलरी मिलती थी 22,000। तो मैंने बोला सर सैलरी तो आपकी कम थी, आप तो बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग है वो थे। तो उन्होंने बताया सर मुझे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिला, वो उन्होंने इतने अच्छे इंश्योरेंस किए थे कि उनको बहुत ही कम एज में सिंगापुर का टूर मिला था। मैं समझ रहा अच्छा सिंगापुर जाना मतलब कितनी बड़ी बात है ना, 3 दिन का सिंगापुर टूर मिला, फिर उसके बाद उनको दुबई का टूर मिला। क्या दुबई जा नहीं पाए, उनकी हेल्थ खराब थी। तो मतलब मैं इसे इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप रियली में अगर ईमानदार व्यक्ति हैं, सबसे ऊपर होता है ईमानदारी, अगर ईमानदार व्यक्ति और हार्ड वर्किंग पर्सन है तो आप कहीं पे भी ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक को एचडीएफसी से ज्वाइन करते हो, एचडीएफसी में इतने रिवॉर्ड मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट नहीं है, उसके मैनेजर की सैलरी एक गवर्नमेंट बैंक से सैलरी ज्यादा है और उनको फॉरेन टूर रिवॉर्ड बहुत कुछ मिलता है। तो हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए ना कोई कॉन्स्टेंट है नहीं, ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, आप कहीं भी करोगे अगर आप ईमानदार और हार्ड वर्किंग हो तो आप इतना ऊपर चले जाओगे इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल हार्ड बिल्कुल वर्क, बिल्कुल, ईमानदार और हार्ड वर्क होना चाहिए, दो मेन चीज होती है। ये बहुत बड़ी और ये ना क्वालिटीज है जो डेवलपिंग आजकल बच्चे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। का है, सबको क्या चाहिए, सब लोग सोचते हैं शॉर्ट, मतलब मैंने इतने अच्छे बच्चे देखे हैं पर वो उनके पास एक ही है, कोई ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड भैया। रातों रात कोई लखपति कैसे बन सकता, आप में क्वालिटी होगी तो आपके पास पैसा तोड़ के आएगा। आप बिल्कुल क्वालिटी तो डेवलप करिए, क्वालिटी और बस ये क्वालिटी, ईमानदारी और हार्ड वर्क। आप छोटे से आप एचडीएफसी ज्वाइन करते हो ना, वो 3 साल फील्ड पे काम कराते हैं, उसके बाद बैंक में ले आते हैं और आपको फटाफट प्रमोशन होता है। हर व्यक्ति आपको सोचे अगर वाले आपने कंपनी ज्वाइन करी है, मैंने कंपनी ज्वाइन करी, मैं क्या चाहूंगा, व्यक्ति बोले कुछ भी ना हो, एक बेसिक पढ़ा लिखा हो, बेसिक थोड़ा पढ़ा लिखा हो, मतलब वो चीज़ों को पढ़ ले, उसके अंदर ईमानदारी होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए, है ना। आप उसको कितना दिल खोल के पैसा, अगर आपकी कंपनी ग्रो करे तो दिल खोल के पैसा दोगे। तो ये चीजें बच्चे लेक कर रहे हैं, सब शॉर्ट डेफिनेट टेम्पर्ड है। अरे भैया मेरे को 22 साल की 30 साल की उम्र में करोड़पति बनना, लखपति से कैसे बनोगे, पेशेंस और पैसा आएगा डेफिनेट ये बात ना, है। यहाँ पे लेक कर थोड़ा जाते ज्यादा हैं सब लोग। वो थोड़ा यूट्यूब से ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, क्या कर हाँ सकते हैं बताइए। बिल्कुल सही बात है, शेयर मार्केट हो गया है और गेमलिंग इतनी ज्यादा हो गई है, तो हर कोई क्या चाहता, सोचता है जल्दी बन जाए, जल्दी नहीं बन सकते, पेशेंस रखो, पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा बिल्कुल बिल्कुल। जी। एमरजेंसी ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम मैं दिया आपको थैंकफुल और हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म बिल्कुल पे मुझे कुछ इनवाइट किया और अपने विचार शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ये मतलब ऑनर की बात है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, और इतने अच्छे व्यूज शेयर किए हैं और बहुत बच्चों की लाइफ चेंज होने वाली कसम से, वीडियो देख के मुझे तो लगता है मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हुआ आज वीडियो आपकी बातें सुन के, तो डेफिनेटली बाकी बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।